ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेव कितने हैं आप तो नॉर्मली सोचते हो राइट एक ही वासुदेव है और वे कृष्ण किंतु बलराम भी वासुदेव है वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाते हैं तो वसुदेव के दो पुत्र थे वह आठ होने चाहिए थे लेकिन दो ही बचे तो वसुदेव के दोनों पुत्र वासुदेव कहलाते हैं तो कृष्ण भी वासुदेव है और बलराम भी वासुदेव है तो वह ऐसे और कई सारी तिथियां आज है श्यामानंद पंडित आविर्भाव तिथि महोत्सव इत्यादि और उसके अंतर्गत ऑफ कोर्स आज बलदेव रास पूर्णिमा भी है आज चैत्र पूर्णिमा है तो आज के दिन बलराम रास क्रीड़ा खेले ऑफ कोर्स रास क्रीड़ा केवल वृंदावन में ही होती है रास क्रीड़ा वैकुंठ में नहीं होती अयोध्या में नहीं होती द्वारका में भी नहीं हो सकती न तो मथुरा में केवल और केवल वृंदावन में ही रास क्रीड़ाएं संभव होती है तो फिर पुनः ये अज्ञान की बात है हम सोचते हैं ऐसी समझ भी होती है कि केवल कृष्ण ही रास क्रीड़ा खेलते हैं नहीं नहीं बलराम भी रास क्रीड़ा खेलते हैं तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम कृष्ण के कई सारे रूप है केशवधृत शूकर रूप केशवधृत राम शरीर केशवधृत नरहरि रूप केशव धारण करते कई सारे रूप तो उन रूपों में से केशवधृत हलधर रूप जो बलराम रूप है एक ये बलराम रूप ही या कृष्ण के अलावा बलराम रूप ही एक ऐसा रूप है जो गोपियों के साथ रास क्रीड़ा खेलने में समर्थ है या कॉम्पिटेंट है और रूपों की रियली एक एक ही अलादनी शक्ति होती है या लक्ष्मी होती है कहो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि किंतु हुआ गोविंद आदि पुरुष गोविंद तो कह ही दिया इनकी कितनी लक्ष्मियां हैं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम तद्वत और वैसे ही बलराम की भी
लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, असंख्य या करोड़ों गोपियां बलराम की सेवा के लिए उत्कंठित रहती है, सेवा करती है, उनके साथ रास क्रीड़ा खेलती है। वो आज की रात है चैत्र पूर्णिमा, वैसे ये वसंत ऋतु भी है तो इसको वसंत रास भी कहते हैं। वैसे हम सब परिचित है शरद पूर्णिमा के साथ, जिस शरद पूर्णिमा को श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा प्रसिद्ध है। तो चैत्र पूर्णिमा जो आज है, आज की बलराम पूर्णिमा, वैसे बलराम प्रकट भी हुए थे पूर्णिमा के दिन ही, तो भी बलराम पूर्णिमा होती है जिस दिन बलराम प्रकट हुए थे। अष्टमी को कृष्ण प्रकट हुए, पूर्णिमा को बलराम प्रकट हुए, तो आज की जो चैत्र पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा की रात्रि को बलराम वृंदावन में रास क्रीड़ा खेलते हैं। और ये रास क्रीड़ा का वर्णन वैसे उतना विस्तार से नहीं है जैसे कृष्ण के रास क्रीड़ा का वर्णन वैसे 5 अध्यायों में हुआ है। रास पंच अध्याय भी उनको कहते हैं। ये बलराम की रास क्रीड़ा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी बस एक ही अध्याय में, 10वां स्कंद नोट करो, 10वां स्कंद है और 65वां अध्याय में सुखदेव गोस्वामी एक तो बलराम की वृंदावन विजिट, वृंदावन की भेंट, और फिर साथ ही साथ बलराम की रास क्रीड़ा का वर्णन करते हैं। हरी हरी। तो मुद्धा मोहि ब्रज विसरत नाही। तो कृष्ण कह रहे थे उद्धव से मथुरा में, हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता और ब्रज वासियों को मैं भूल नहीं सकता, और मैं स्वयं तो नहीं जा सकता ब्रज, तो तुम जाओ हे उद्धव, मेरा संदेश लेके जाओ, उद्धव संदेश जिसको कहते हैं, और सारे ब्रजवासियों को स्पेशली गोपियों की सांत्वना करो। तो वो तो मथुरा रही, अब कृष्ण और बलराम मथुरा से भी आगे बढ़े हैं। जैसे वृंदावन से वो प्रस्थान कर रहे थे, सोडुनिया गोपीना कृष्ण मथुरे सी गेला, ये मराठी में आप सुनते रहते हो, मैं सुनाता रहता हूँ कैसे अक्रूर आए थे या कंस ने भेजा था, इन्हें भेजा था, मुझे नहीं कहना चाहिए सब, नहीं तो कैसे सुनाएंगे आपको बलराम रास क्रीड़ा का वर्णन। तो जब अक्रूर ले जा रहे थे कृष्ण और बलराम को, तो कृष्ण और बलराम ऐसे कहे थे, आया से अभी अभी आता आते ही हैं हम,
अभी अभी लौटते ही है। ऐसा कहकर जो प्रस्थान किए मथुरा के लिए, फिर मथुरा में ही रह गए 18 वर्ष, और वहाँ से लौटना तो दूर रहा, वहाँ से आगे बढ़े, द्वारका गए। और अभी द्वारका में कितने वर्षों से रह रहे हैं, और यह ब्रज में तो प्रतिदिन प्रतीक्षा हो रही थी, कब आते हैं कृष्ण, कब लौटते हैं बलराम। वैसे कुछ पत्र व्यवहार तो चलता था, लेटर्स एक्सचेंज हुआ करते थे द्वारका से, पोस्टमैन ले जाता था कृष्ण बलराम के पत्र वृंदावन ब्रजवासियों के लिए, और ब्रजवासी भी अपना उन पत्रों के उत्तर या अपने विरह की व्यथा सुनाया करते थे, लिखते थे उन पत्रों में। इस प्रकार कुछ कम्युनिकेशन संपर्क तो अरी अरी, किंतु हर समय जब वे समाचार सुनते एक दूसरों का, तो अधिक अधिक उत्कंठित होते वे एक दूसरों के मिलन के लिए। तो वैसे उनको द्वारका जा जिम्मेदारियां भी इतनी बढ़ी गई, कृष्ण के भी हो गए कितने कितने विवाह हो गए, 16,108 विवाह हो गए, और 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। हम दो हमारे दो वाला मामला वहाँ नहीं था, अष्टपुत्र सौभाग्यवती। और द्वारकाधीश, अब द्वारकाधीश राजा भी बने हैं, वृंदावन में तो गौ पालन ही करते थे, अब द्वारका में प्रजा का पालन भी कर रहे हैं। गोपालक बने हैं, प्रजा पालक। तो जाना कठिन है, सो मच टू डू, इतने व्यस्त है कृष्ण भी बलराम भी। और वैसे द्वारका वासी भी तो कहाँ उनको जाने की अनुमति देने वाले थे, और ये दोनों भी गए तो फिर गए काम से, फिर लौटने वाले नहीं है। तो एक समय की बात है, कृष्णा बलराम को भेज रहे हैं, इससे पहले उद्धव को भेजे थे मथुरा से, अब द्वारका से बलराम को भेज रहे हैं। और द्वारकावासी इस बात से सहमत है, बलराम को भेजा भी जाएगा, जाते थे तो वे लौट आएंगे, क्योंकि कृष्ण यहाँ है, कृष्ण के बिना वे रहने वाले नहीं है, तो वे जरूर लौटेंगे। तो श्री शुक उवाच, बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमस्थितः सुरिदिदृक्षुर उत्कंठः प्रययो नंद गोकुलम। तो 10th chapter 10th canto 65th verse, शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा।
ये कुरुश्रेष्ठ, हाँ, और ये कुरुश्रेष्ठ है परीक्षित। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं, तो उन्होंने कहा बलभद्र जो कौन है, भगवान बलभद्र रथमस्थित, रथ में आरूढ़ होते हैं, और प्रययो प्रस्थान करते हैं कहाँ के लिए, नंद गोकुलम वृंदावन के लिए। क्यों जा रहे हैं या क्यों भेजा जा रहा है, सुहृद दिदृक्षुः अपने स्वजनों को देखने मिलने जा रहे हैं। और कैसा है भाव, उत्कंठ, बड़े उत्कंठित भाव के साथ, उत्कंठित बलराम ब्रजवासी भी ऑफ कोर्स उत्कंठित सदैव थे ही, मिलन की उनकी अभिलाषा थी, और बलराम भी उत्कंठित। तो वृंदावन धाम की वृंदावन नंद गोकुलम पहुंच जाते हैं। अरे अरे अब क्या हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम पतित जीव उन दोनों की उत्कंठा, एक दूसरों के मिलन की उत्कंठा। और मिलन भी कब हो रहा है, कुछ 50, 60, 70 वर्ष सालों के उपरांत मिलन हो रहा है। हम जानते हैं और पुनः पता नहीं कितना जानते हैं, कृष्ण ना राम लक्ष्मण सीता केवल 14 वर्षों के उपरांत, 14 वर्षों के वनवास के उपरांत, जब हरी राम लौटे अयोध्या, तो उस समय हरी हरी जो दोनों भी उत्कंठित थे, उतावले थे, और फिर राम लक्ष्मण सीता उतरे भी विमान से, पुष्पक विमान से, और जिस प्रकार से भरत और सभी माताएं भी और भरत शत्रुघ्न भी और सभी अयोध्या वासियों ने जैसे अगवानी जैसा स्वागत किया, वो जैसा मिलन उत्सव रहा, हमें तो कहना होगा कि उससे भी कुछ और अधिक विरह भाव तो ब्रजवासियों का था। अरे अरे वृंदावन के भक्तों का भगवान से प्रेम, कृष्ण बलराम से प्रेम, इस प्रेम की तुलना वैकुंठ के भक्तों के भगवान के प्रेम के साथ, और वैसे अयोध्या तुलना तो नहीं करनी चाहिए, वैसे दोनों भी अपने अपने स्थान पर सही ही है,
पूर्ण ही भी है, किंतु तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से या तत्व के दृष्टि से तरतम भाव भी होता ही है, कम अधिक प्लस माइनस या 19-20 का फर्क, या हो सकता है 15-20 का फर्क, या 10-20 का जो फर्क है। तो ऐसा मिलन वृंदावन में हुआ है। बलराम जो बुजुर्ग जन है, हरिहरी उनके चरण छूते हैं, जो मित्र मंडल है उनका, सखा भाव वाले जो है, उनको आलिंगन देते, गले लगाते हैं, और जो छोटे हैं, छोटे उम्र वाले हैं, उनके लिए बलराम बड़े हैं और बलराम दादा है, तो वे लोग बलराम के चरण छूते हैं। इस प्रकार ये सदाचार, वैष्णव एटिकेट भी संपन्न होता है। हरी हरी। तो वह बलराम सभी से मिलते हैं, और कल्पना करो, या कल्पना मैंने कहा ही शायद हम कर भी नहीं सकते, इतने सारे वर्षों को उपरांत ये मिलन हो रहा है, तो क्या क्या पूछा जा रहा है। जैसे हम लोग हाउ आर यू, तो हम लोग कहते हाउ आर यू, कैसे हो, वैसे एक ही वाक्य कहते हैं, और कभी कभी उसको और विस्तार से भी कहते हैं, हाउ आर यू और हाउ इज दिस वन, आपके फिर रिश्तेदार कैसे है, वो रिश्तेदार कैसे, आपके पुत्र कैसे है, आपकी पत्नी कैसी है, आपका पड़ोसी कैसा है, आपका ये कैसा है, आपका लाइक दैट ऑन एंड ऑन, केवल आपका कारोबार कैसा चल रहा है। anyway, तो ये सारी पूछताछ हो रही है, बलराम भी पूछ रहे हैं, और सभी ब्रजवासी गण भी पूछ रहे हैं। ये भी संभव है ही, बलराम कई सारे बलराम बनके हर एक के लिए उपलब्ध हो रहे हैं, और वन ऑन वन संवाद हो रहा है, या बलराम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति से अनादर वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जाकर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे तो लाइक अ लाइटनिंग, जिस गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है। एनीवे, ये सब तत्व सिद्धांत की बातें तो अब नहीं कहेंगे। अरे अरे, तो वह क्या हमको याद भी तो करते हैं। अरे अरे, कश्य स्मरथ नो राम यूयम दारसुतान्विता। हे बलराम, अब कृष्णा पुत्र और पत्नियों से घिरे हुए, और क्या हमारा स्मरण भी करते हैं उनको, हम हमारी याद भी तो आती है। अरे अरे, तो सभी
इसी पूछताछ कर रहे हैं। कश्चित् स्मरति वा बंधुन पितरम मातरम च सह सह कृष्णः स द्वारकाधीशः। क्या हम या वृंदावन के बंधुन उनके मित्र पितरम मातरम गोप्यः गोपी गोपिया कि हमारा वे स्मरण करते हैं, तो बलराम और कृष्ण का संदेश भी लाए हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, सुना रहे हैं। कृष्ण कहेंगे इस गोपी से ऐसा कहो, उस ग्वाल बाल को ये बता दो, नंद बाबा को ये कहो, यशोदा को ये कहो, और गायों को भी कुछ बुझाओ समझाओ। आई एम मिसिंग ऑल ऑफ देम। तो कृष्ण का संदेश सभी के लिए, और फिर बलराम अपनी खुद की ओर से भी सांत्वना के वचन सुना रहे हैं ब्रजवासियों को। तो ये मिलना जुलना 2 महीने चलता रहा। द्वौ मासौ तत्र च आवासित मधुमाधवमेव च। वो 2 मास थे चैत्र और वैशाख, जिसको मधु और माधव ऐसे भी नाम है चैत्र वैशाख के। तो पूरे 2 मास बलराम वृंदावन में रहे, और फिर वैसे तो कहा है, लिखा है कि बलराम गोपियों के साथ हर रात्रि को रास क्रीड़ा खेलते थे, किंतु आज के दिन या रात्रि को चैत्र पूर्णिमा को विशेष रास क्रीड़ा का आयोजन हुआ, मेगा इवेंट। और ये समझना होगा, ये आपने शायद सोचा या समझा होगा, नहीं होगा, बलराम की अपनी गोपियां है, वो कृष्ण की गोपियों के साथ रास क्रीड़ा खेल ही नहीं सकते। नॉट पॉसिबल, कोर्स नॉट। बलराम के साथ बलराम राधा के साथ या कृष्ण की जो अष्ट सखियां है उनके साथ और अन्य असंख्य गोपियां है उनके साथ रास क्रीड़ा खेलते नहीं, खेल भी नहीं सकते, खेलते नहीं। बलराम की अपनी अपनी गोपियां है, अपनी गोपियां है। ब्रज के कुछ गोपियों के साथ बलराम का माधुर्य भाव या श्रृंगार रस का संबंध है, और उन्हीं गोपियों के साथ बलराम आज के रात्रि को चैत्र पूर्णिमा को रास क्रीड़ा खेले। पूर्ण चंद्र कला मृष्टे कौमुदी गंध वायुना। तो हवा सुगंधित मंद हवा बह रही है, शीतल शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही थी उस सायंकाल को, उस रात्रि को।
यमुना उपवने रे मे सेविते श्री गणैर्व्रतः। तो यमुना के तट पर बलराम असंख्य गोपियों से घिरे हुए थे और वहाँ रे में वे रमने वाले हैं गोपियों के साथ। तो गोपियों के साथ वहाँ विहार हो ही रहा था। अब पहले ही बता देते हैं आपको, ये चैत्र पूर्णिमा की रास क्रीड़ा, बलराम की रास क्रीड़ा कहाँ संपन्न हुई। वृंदावन में जय राम घाट जय रोहिणी नंद, ये राम घाट खेलन बन ऐसे कई स्थान है। हम जब ब्रज मंडल परिक्रमा में जाते हैं तो हम राम घाट पहुंचते हैं। तो कई सारे घाटों के लिए ब्रज प्रसिद्ध है, विश्राम घाट या क्रूर घाट, केसी घाट। इत्यादि इत्यादि प्रसिद्ध घाटों में से एक राम घाट है, जहाँ राम के विग्रह का दर्शन भी हम कर सकते हैं। और जब विग्रह का दर्शन करोगे, बलराम के विग्रह का, तो आप देखोगे उनके हाथ में एक प्याला है वारुणी से भरा हुआ, जिसको बलराम इस रास क्रीड़ा के रात्रि को ऐसे पिए थे। और यहाँ तक कि हम जब वहाँ पहुँच जाते राम घाट पर परिक्रमा के समय, तो वहाँ के वृक्षों पर कई सारे हनी बीज बी हाइव्स, और वहाँ से मधु टपकता रहता है। अब जब जब हम जाते हैं और स्थानों पर ऐसा दर्शन शायद ही मिलता है, लेकिन वहाँ जब पहुँचते हैं कि बलराम को हनी पसंद, मधु पसंद होता है, वही वारुणी का भी वो पान किए, तो वह उसका भी स्मरण दिलाते हैं ये बी हाइव्स। और वहाँ बच्चे भी सर्प लेके पहुँच जाते हैं और सर्प का खेल भी दिखाते हैं। सर्प क्यों? बलराम का एक स्वरूप है अनंत शेष, अनंत शेष या नाग, बलराम का एक रूप है जिस नाग की शैया पर ही तो कृष्ण पहुड़ते हैं। तो वह अनंत शेष वे सर्प के रूप में होते हैं, या एक स्वरूप है बलराम का, विस्तार है बलराम का। तो यहाँ जब हम पहुँचते हैं राम घाट पर, तो वह ये सर्पों का खेल भी वहाँ के बच्चे ही थे और ब्रजवासी कराते हैं, और से कुछ धनराशि भी कमाते हैं। तो वह तो बलराम ने वारुणी का पान भी किया है। वरुण प्रेषिता, वरुण देव ने भेजा
वारुणी को, और वारुणी बलराम के लिए ये पेय वारुणी उपलब्ध कराई। बलराम जो पीते हैं, मद विह्वल लोचन, मद विह्वल लोचन, बलराम मद या नशा से विह्वल होते हैं, उनकी आंखें, नशा पान किया हुआ व्यक्ति की आंखें जैसे होती है, तो बलराम की भी आंखें वैसी हुई है। और अब बलराम ऐसे रास क्रीड़ा अब प्रारंभ करना चाहते हैं, उस मन के स्थिति में गोपियाँ भी पहुंची है, वातावरण सारा अनुकूल है, चंद्रमा उदित हुआ है या चांदनी रात है, और ये सब रास क्रीड़ा होने ही वाला है, होने ही वाली है, तो उसके देखने के लिए असंख्य देवी देवता आकाश में पहुंच चुके हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हरी हरी। और वैसे तो उस समय अब रास क्रीड़ा प्रारंभ करनी ही थी, किंतु हुआ बलराम देखते हैं कि ए जमुना तो यहां से बहुत दूर है, वो यहां क्यों नहीं आ रही है, ताकि हम बिल्कुल जमुना के तट पर ही रास क्रीड़ा खेलते। तो कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे बलराम, वो सोच रहे उसे जमुना के आगे बढ़ना चाहिए, हमारे पास में आना चाहिए, ताकि हमारा इवेंट जमुना के तट पर ही संपन्न हो। किंतु जमुना कुछ देरी कर रही थी, जैसे वो समुद्र भी कुछ देरी कर रहा था। जब राम इंडियन ओशन हिंद महासागर को पार करना चाहते थे लंका जाने के लिए, तो वह तो समुद्र वहाँ देरी कर रहा था, तो वैसे जैसे राम क्रोधित हुए, तो यहाँ वे थे राम और यहाँ है बलराम, तो बलराम भी क्रोधित हुए और कहते पापे त्वं माम अज्ञाय अवज्ञाय यत् न आयासी, मेरी इच्छा अपेक्षा के अनुसार तुम यहाँ नहीं आ रही हो, अब दिखाता हूँ। तो बलराम क्या करते हैं, अपने हल को उठाते हैं और जमुना को स्वयं ही अपनी ओर खींचने की तैयारी करने ही वाले थे, तो जमुना भागे दौड़े वह निकट पहुंच जाती है और कहते राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, आपका विक्रम पराक्रम को मैं भूल बैठी थी, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। प्रपन्नाम भक्त वत्सल, हे बलराम मैं आपकी भक्ता हूँ, प्रपन्न आपके शरण में आई हूँ, मुझे
क्षमा करो। तो वैसे ये नोट करने वाली बात है, प्रभुपाद भी या के तात्पर्यों में या प्रभुपाद के शिष्यों ने जो तात्पर्य लिखा है उसमें भी वे नोट किए हैं, लिखे हैं। यहाँ जहाँ राम घाट है, जहाँ बलराम की रास क्रीड़ा संपन्न हुई और यहीं पर वे क्रोधित भी हुए थे और स्वयं ही खींचना चाहते थे जमुना को अपनी ओर, तो वहाँ जमुना का जो पात्र है, रिवर बेड है, काफ़ी चौड़ा है अन्य स्थानों की अपेक्षा। ये भी स्मरण दिलाता है कैसे जमुना वहाँ आगे बढ़कर बलराम के चरणों तक पहुँच जाती है। तो यह विस्तृत है, वाइड रिवर बेड अब जमुना रामघाट जहाँ है। तो वह फिर क्या कहना बलराम की। यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी विस्तार से नहीं कहे हैं, तो वह क्षेत्र पूर्णिमा के बलराम रास क्रीड़ा का वर्णन विस्तार से, तो वह तो जो भी वर्णन वे किए हैं कृष्ण की रास क्रीड़ा शरद पूर्णिमा के रात्रि को, तो वही वर्णन यहाँ भी लागू होता है। क्योंकि बलराम भी कृष्ण ही है, भगवत्ता के दृष्टि से भी स्वयं प्रकाश, पहला प्रकाश, पहला विस्तार, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण बलराम ही है। फिर आगे फिर अंशाम शाम 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 अंश के अंश के अंश के अंश और आगे आगे विस्तार होते रहते हैं भगवान। या तो पहला विस्तार तो कृष्ण का बलराम ही है। प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं ही इज 98% कृष्ण। तो 19-20 का फर्क जो हम कह रहे थे उतना भी नहीं है कृष्ण और बलराम में। एक स्थान पर केवल कांति का रंग का ही अंतर है, एक घन ई व श्याम है और दूसरे वाइट सफेद है वर्ण वाले। अरे अरे तो हुआ वहाँ रास क्रीड़ा संपन्न होती है और कई सारी क्रीड़ाएं, झूलन यात्रा भी होती है, ऐसे समझना चाहिए। वहाँ जल क्रीड़ा भी होती है, विजगाह जलम स्त्री भी करेणु भीर इव इभराट। तो बलराम गोपियों के साथ जमुना के जल में प्रवेश किए हैं और जैसे हाथीनियों के संग में जैसे हाथी जल में खेलता है, क्रीड़ा करता है, ऐसे बलराम गोपियों के साथ जल क्रीड़ा भी करते हैं। भूषणानी महारहाणी ददो कांति शुभाम स्रजम। कांति ने, कांति देवी ने स्नान के उपरांत बलराम को कई सारे वस्त्र और अलंकार आभूषण
अर्पित किए हैं, बलराम इसको पहनते हैं। वसित्वा वाससी नीले, बलराम के वस्त्र कैसे होते हैं? नीले होते हैं, इसीलिए बलराम को नीलांबर कहते हैं। कृष्ण होते हैं पीतांबर, पीतांबर पीतम अंबरम, और बलराम नीलांबर कहलाते हैं, नीले वस्त्र पहनते हैं। कई सारी मालाएं पहनाई जाती है, पहनते हैं। हरी हरी एवं सर्वः निशायाता एकेव रमतो व्रजे। तो उस शरद पूर्णिमा के रास क्रीड़ा जैसा ही यहाँ भी एक कमेंट हुई है, और वो ये है, हम तो सोचते हैं या सुनते हैं फिर सोचते भी है कि वो रास क्रीड़ा बस पूर्णिमा के रात्रि पूरी रात भर चली, नहीं, उस रास क्रीड़ा के पूर्णिमा को, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी, और यह चैत्र पूर्णिमा के रात्रि को भी, वह कृष्ण और यह बलराम उस रात को ऐसा लंबा खींचे है मानो कई सारी रातें रात्रियां एक साथ आई। तो केवल नॉट फॉर ओनली 12 आवर्स, केवल 12 घंटों की रास क्रीड़ा नहीं रही, और चलती रही चलती रही चलती रही। ब्रह्मा के एक रात्रि तक चलती रही, ब्रह्मा की एक रात्रि तक। तो इस प्रकार ये हमारे लिए फिर अचिंत्य बातें भी होने लगती है। या माधुर्यैर्व्रज योषिताम्, इस प्रकार बलराम वहाँ राम घाट पर चैत्र पूर्णिमा के रात्रि को, जो बहुत समय के लिए बीतती या चलती रही, वहाँ अपनी गोपियों के साथ, जिनके साथ बलराम का माधुर्य कॉन्जुगो संबंध है, उनके साथ बलराम रास क्रीड़ा खेले। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय बलराम, जय चैत्र रास पूर्णिमा वृंदावन में।